स्वागत करते हैं आप सब। और आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट में अपना सर्वाइवल वर्ल्ड। तो हमने इसमें अपना घर बना लिया था और अभी भी वो एक फर्नेस में अभी हमारे स्टोन बन रहे। तो मैं आ रहा हूँ अपने नॉर्मल मोड में और देखते हैं कि सुबह है रात है। अरे लैग क्यों हो रहा है? तो सुबह और लैग पता नहीं इतना क्यों। ये तो लैग क्यों है? इस लैग की वजह से मैं पटू क्रिप्टो से मरूंगा। तो ये सही हो गया। और हमारे को आज एक केव ढूंढनी है। हमारे को आयरन चाहिए। ये वेंडरिंग ड्रग 15 मिनट में वैसे डिस्पॉन हो गया था। टॉर्चेस हैं। मार दिया और यहाँ पे एक माइन है। कोई लाइटनिंग करने के लिए फ्लिंट एंड स्टील बना लेते हैं। फ्लिंट एंड स्टील से हम कर सकते हैं लाइटनिंग। यहाँ पे पानी है और कोल मिल गया भाई। और ग्रेवल भी घूम रही है। पहले घूम नहीं रही थी जब मेरे को बेड बनाना था। तो जाता हूँ। तो फिर मैं जैसे तैसे मैनेज करके वहां से बाहर तो आ गया पर वहां से बाहर आना ऐसा था कि और मेरा फ्लिंट एंड स्टील तो टूटने ही वाला है। और इसकी ये लाइट पता नहीं गायब क्यों हो जाती है। तो मैं जल्दी से माइनिंग कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल। तो गाइस जब मैं माइनिंग कर रहा था तब मुझे हंगर हो गया। तो मुझे अपने पे फिर से खाना होगा नहीं तो मैं भूखे मारे मर जाऊंगा। और मैंने ब्लैकली वाइट किया। आप ब्लैकली वाइट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए या फिर 10 मिलियन कुछ पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। और उसने स्काई ब्लॉक की वीडियो बनाई है। तो मैंने भी वो डाउनलोड किया पर मैं उसकी लिंक नहीं डाल पा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके चैनल को जाके एक बार देख लो। और मेरे पास वही नहीं है रिसोर्सेस। यार मेरे पास सिर्फ बहुत कम आर्ट है यार।
और अगर मैं मरा ना तो सच कहना मैं स्पॉन नहीं होऊंगा। तो हमारी पिकैक्स तो ऐसे ही चली गई। ओ इतनी जल्दी कुक भी हो गया। मैं ये भी कर लेता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है और यहाँ पे ग्रेवल आ गया है। वो तो आयरन मिल गया, आयरन मिल गया, आयरन मिल गया, आयरन मिल गया। ये ग्रेवल फेंको, मुझे ये चाहिए। ये ग्रेवल की तो जरूरत नहीं है। आयरन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। जब पहले माइनक्राफ्ट में फर्नेस नहीं थे, अल्फा में, माइनक्राफ्ट अल्फा में, तो हमारे को एक फ्लिंट एंड स्टील मिलता था। हम उसमें अगर डाल के कोई भी और या फिर कोई कुक करने वाली चीज़ डालते थे तो उससे हमारे को मिल जाता था वो। अब तो खुशी हो रही है आयरन को देख के, आयरन को देख के बहुत खुशी हो रही है। और मेरे पास स्टोन कितना सारा है, तो इसको होने देते हैं, अपने आप कर देगा। और भाई साहब मैंने कुछ अच्छे से स्टोर ही नहीं कर रखा। और मेरे पास डर्ट कबल स्टोन, उसकी तो बात ही मत करो। ये तो यार इतना लैग क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फालतू फालतू की चीज़ें ज़्यादा रखी हुई हैं। ये स्ट्रिंग भी रख दो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये टूटी हुई एक्स भी रख दो। तो ये सिर्फ भाई साहब इतनी जल्दी सिर्फ एक ही रह गया, सिर्फ एक ही रह गया। और ये हो गया कंप्लीट। और हमारे को अभी आयरन के टूल चाहिए। आयरन को देख के इतनी खुशी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो हमारे को पहले पिकैक्स चाहिए, पिकैक्स, हेलमेट रहने देते हैं। और अगली वीडियो आएगी कि 10 यूजलेस आइटम इन माइनक्राफ्ट, तो ये वीडियो आएगी, देख लेना आप। तो स्टिक और हमारे को चाहिए। अब हमारे को माइनिंग पे जाना होगा और मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
कोल मिल गया, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ड्राउनेड की आवाज आ रही है। और माइनक्राफ्ट में कभी भी डिग स्ट्रेट डाउन नहीं करना, नहीं तो लावा में हम मुझे आयरन की यूज नहीं करनी। एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते क्योंकि हमारे पास वैसे भी वुड बहुत है और हम जंगल में हैं बर्च के। तो मुझे आयरन की अपनी वो यूज ही करनी पड़ी पिक। और मेरी स्टोन, मैं स्टोन बना लेता हूँ, दो तीन आ गई। तो हम लेवल 17 पे आ गए हैं, 17 पे आ गए हैं, 17 17 जो भी। तो नॉर्मल ओह शिट, आयरन आयरन और मैंने डिग स्ट्रेट डाउन ही कर दिया। ओ भाई मुझे अभी एक और मैं लाया हूँ सप्लाईज, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे कोयल भी है तो हम यहाँ से कोयल भी निकाल सकते हैं। कितना नीचे है, ओहो जैसे मैं ऊपर आता हूँ वैसे लैग स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ब्लैक लो की तरह मेरे भी 1 मिलियन या फिर 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। और बाय बाय।